किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे पौधे सही से ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, या फिर पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है, या फिर हमारे पौधे बौने और कमजोर होकर ग्रोथ रुक गई है, तो ऐसे में हम कैसे अपने पौधे की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से शुरू हो जाए और पौधे तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्रीकल्चर खेती किसानी पर। मेरा नाम है अविनाश। दोस्तों, हमारे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम डाल सकते हैं पैराटेक एग्रो क्रॉप केमिकल कंपनी की ब्लैक टाइगर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से बूस्ट हो जाती है और 4 से 5 दिन के भीतर ही हमारे पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या में भी कमी आती है। साथ ही ये हमारे फसल की पैदावार क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ब्लैक टाइगर में बहुत सारे तत्व मौजूद है जो कि अलग अलग तरीकों से हमारे पौधे की ग्रोथ और पैदावार दोनों को ही बूस्ट करते हैं। इसमें एकोरस क्लेमस 30%, जिब्रेलिक एसिड 10%, एमिनो एसिड 20%, ह्यूमिक एसिड 10%, फॉल्विक एसिड 20% और साइटोकाइनिन 10% होता है, जो कि कई तरीकों से हमारे पौधे को फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि इसमें मौजूद जिब्रेलिक एसिड पौधे के अंदर रोग से लड़ने की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पौधे में हानिकारक कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये फसल में फल और फूल के झड़ने की समस्या को भी जल्दी से ठीक करता है। इसमें मौजूद एमिनो एसिड पौधे के हार्मोन्स को उत्तेजित करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, पौधे की श्वसन क्रिया को अधिक करता है। इसके साथ साथ एंजाइम गतिविधि बढ़ाता है, जिससे फल की परिपक्वता अधिक होती है। ह्यूमिक एसिड मुख्य रूप से मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे पौधे के जड़ों का विकास होता है। इसके अलावा ह्यूमिक एसिड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी तेज करता है, जिससे पौधे में हरापन आता है और शाखाओं की भरपूर वृद्धि होती है। इसमें मौजूद फॉल्विक एसिड फसल और मिट्टी में पहले से उपस्थित विषाक्त या हानिकारक तत्वों के दुष्प्रभाव को कम और डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। साथ ही पौधे में पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है एवं पौधे के कोशिका झिल्ली को अधिक करता है, जिससे पौधे की पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें मौजूद साइटोकाइनिन प्रोटीन के उत्पादन में सहायता करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, तने की लंबाई में वृद्धि करता है, साथ ही क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट होने से रोकता है। इसकी मात्रा की बात करें तो इसको हम 30 ml प्रति 16 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इन सब तत्वों के होने के कारण ब्लैक टाइगर एक जबरदस्त ग्रोथ बूस्टर का काम करता है। इसके इस्तेमाल से रुकी हुई ग्रोथ फिर से बूस्ट हो जाती है। ब्लैक टाइगर के इस्तेमाल से हमारे पौधे हरे भरे होकर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। साथ ही इसके इस्तेमाल से हमारे फसल की उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाती है। इसका इस्तेमाल हर प्रकार के फसल में किया जा सकता है। सभी फसलों में ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। आप इसका इस्तेमाल करके अपने फसल की ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय हिंद।